दोस्तों देख सकते हैं आप कैसे हम लोग इसको पार्सल करते हैं। जैसे कोई हमारे पास दूर का भाई आता है और अकेला होता है तो उसको हम दो डिवाइड में हम सामान को पैक करते हैं और बेकायदा GST बनाकर कोई परेशानी ना हो। और हम बता दें क्वालिटी जो चीज़ हम वीडियो में दिखाते हैं वही क्वालिटी हम देने की कोशिश करते हैं, जैसे मेरे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। और बेकायदा हम लोग सुरक्षित सामान पैक कर कर ही हम उनको यहाँ से भेजा करते हैं ताकि कोई मेल की समस्या ना हो, कपड़ा की क्वालिटी हो चाहे जो कोई क्वालिटी। दोस्तों नमस्कार, मैं DJ अमर जी और दोस्तों नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे दोस्तों बराबर मेरा वीडियो देखते हैं तो मैंने सोचा कि चलो आज भी हम कुछ नया लेकर आते हैं। तो आज जो हमारा नया कुछ है ये स्मेल का कि देख रहे हैं आप, ये नीला छाता है और प्लस लाल है, मगर इसमें क्या है सूरज भी बना हुआ है, प्लस इसमें जो है लाल टिकली भी लगाई गई है, फिर इसमें छल्ला भी लगाए गए हैं। अगर मैं बताऊं तो मैंने हर सब में छल्ले लगाए हैं। अगर हमारा 12 तीली का छाता है तो 12 ही छल्ले लगाए हमने, ऊपर भी हमने कुछ ऐसा ही किया है, आप देख सकते हैं इसमें भी हमने सूरज टाइप का बनाया हुआ है और काफ़ी अच्छा इसमें जो कहा गया हमें मोती जो है काफ़ी घन लगा दी हैं और काफ़ी बड़ी मोती लगाई हैं ताकि मोती जल्दी से हमारी टूटे ना। जो भी मोती हमारी होंगी वो मोती यहाँ से सब आपस में जुड़ी होंगी, क्योंकि कुछ ऐसी मोतियाँ होती हैं कि जो टूट जाती हैं तो पूरी मोतियाँ गिर जाती हैं, तो हमारी जो मोती होगी वो जल्दी से गिरेगी नहीं, क्योंकि अगर इतने भी टूट रही है तो समूची रहेंगी। तो ये हमने इसमें जो लटकन यूज करी है तो अभी लटकन भी यूज करी है पीली और क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब हम बात करते हैं कि ये किस भाई का हमारा है। ये जो हमारा है ये हमारे पटना से ही 200 किलोमीटर दूर के भाई हैं और काफ़ी उन्होंने हमसे कॉल ऑल में बात करी थी पहले, कम से कम 2 महीना पहले, और भाई कह रहे थे नहीं एक बार हम आएंगे मिलेंगे और तब हम सामान लेंगे, अब चाहते तो मंगा भी लेते, मगर सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर मिलने से होती तो जान पहचान भी बनती है। बाकी उनको विश्वास था, काफ़ी लोग माल मंगाते हैं देखते हैं ऑलरेडी, तो आज हम उनसे भी मिलाना चाहते हैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से और थोड़ी उनसे भी जानकारी लेते हैं कि भाई कहाँ से आए हैं, बहुत दूर है, तो चलिए थोड़ा मिलाते हैं भाई। है दोस्तों, तो दोस्तों हम मिला सकते हैं, ये हमारे भाई हैं जो, और ये भाई जो हमारे आए हैं पटना के पास से आए हैं। तो आप कहाँ से आए भाई थोड़ा बता सकते हैं? पटना से, खगड़िया जिला से आए हैं हम। अच्छा, तो ये पटना से कितने दूर है? 200 किलोमीटर दूर है। 200 किलोमीटर दूर है जी। तो गाँव का नाम क्या है आपका? मेहदीपुर गाँव का नाम है। अच्छा अच्छा, तो आप क्या क्या काम करते हैं? डेकोरेशन का काम करते हैं। डेकोरेशन यानी टेंट का? जी नहीं, फ्लावर डेकोरेशन। अच्छा अच्छा, वो डेकोरेशन मतलब जो आप सजावट का काम करते हैं? सजावट का काम करते हैं। तो भाई हमारे जो सजावट का, चाहे जयमाल हो चाहे स्टेज का प्रोग्राम हो, तो सजावट काम करते हैं। तो भाई हमारे पास लेने आए, तो हमने आपसे हमारी जो बात हुई थी पहले भी बात हुई थी थोड़ा, तो जो भाई हमारे हैं और भाई ने भी हमारी जो पहले भी बात करी थी, हमसे पहले बात आपकी हुई थी जी हाँ, तो आपको क्या लगा था कि मतलब यहाँ हम आए कि हमारा माल मंगाए? कि कुछ लोग अक्सर हमारे पास जो आते हैं तो अधिकतर ये लोग होते हैं, कुछ भाई सोचते हैं कि कहीं हमारा पैसा मारा ना जाए, कैसी क्वालिटी भेज दें, शायद क्वालिटी अच्छी ना हो या कपड़ा अच्छा ना हो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम होता है, आप भी देखते हैं काफ़ी लोग मंगा लेते हैं सामान और पैसा, और सामान मंगाने के बाद मंगाते कुछ और है, निकलता कुछ और है, तो कुछ ऐसा ख्याल आपका भी आया होगा मन में? जी नहीं, वैसा ख्याल तो नहीं आया। अच्छा अच्छा, लेकिन मन हुआ कि आपसे हम। अच्छा चलिए, हाँ ऐसे हो कि मिलने के वाला भी थोड़ा, तो भाई ने सोचा कि चलो कम से कम हमारा सीजन में मेहनत तो काफ़ी करते हैं हम लोग और रात दिन काम ही काम करते हैं, हमको ये मरते मरते काम ही करना पड़ेगा, तो सोचा कि चलो इसी बहाने हम कुछ यूपी भी घूम लेते हैं, क्योंकि इनका जो आता है काफ़ी दूर से आए हैं, क्योंकि काफ़ी ट्रेन चल के ही आना पड़ता है, तो भाई इस वजह से आए थे। तो और भी कुछ अगर वीडियो के माध्यम से अगर आप कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, ये आपका ही चैनल है। अगर आप यहाँ से हमारे यहाँ काफ़ी लोग दूर से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो भाई की थोड़ा सा हमारे को माध्यम से बता सकते हैं कि आपको क्वालिटी हमारी कैसे लगी, अगर खराब लगी है तो भी बता सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं। जी नहीं, क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। क्वालिटी अच्छी, जाल वाल कैसे पसंद आया? तो बहुत अच्छी है, तो जाल भी बहुत अच्छी है, हमें जो पसंद आई कलर वो हमने परचेज कर ली। तो जैसे हम लोग देखते हैं वीडियो में जाल हम दिखाते हैं, ये क्वालिटी हमारी होती है, ये रिपीट होती है, देखिए मेरी आप रिपीट देख रहे हैं, अगर वीडियो में आप रिपीट देख सकते हैं ये, तो जो लोग हम दिखाते हैं वही चीज़ हम देते भी हैं। और थोड़ा मार्केट में क्या होता है कि आजकल सस्ता बहुत ज़्यादा बिक रहा है, ऐसा होता है कि काफ़ी लोग आप लोग देखते हैं वीडियो में और काफ़ी लोग मतलब यानी कि बनाते भी हैं और काफ़ी लोग देखते भी हैं, वो लोग 1000 रुपये 1200 500 रुपये की भी छतरी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों हम वो काम नहीं करते, क्योंकि मेरी जो सोच है कि अगर हमारे इंडिया में अगर आप 1000 DJ वाले हैं पूरे, तो हम लोग कहाँ पूरे को दे पाएंगे, तो हम चाहते हैं कि जो हमारी फैमिली जुड़े और जो हमारे YouTube फैमिली जुड़े या उसी माध्यम से अगर कोई भी हमारा DJ का सामान लेना चाहता है तो कुछ अच्छा ले। हो सकता है कि मैं 100% को तो दे नहीं सकता, कम से कम 5 से 10% को मैं ही सामान दे पाऊँगा, तो इसी वजह से जो मेरा ख्याल है कि जो मैं सिर्फ अच्छा देने की कोशिश करता हूँ, और क्योंकि अच्छा देने से अच्छा ये बात होती है कि कम से कम कि थोड़ा वो लेके जाएंगे, अगर दूसरा भाई भी देखता है तो उससे क्या होता है कि उनको लगता है कि हाँ चीज़ अच्छी है, क्योंकि मैं ये चीज़ का तो मैं ही जान सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक DJ वाला हूँ।
तो मैंने इस क्वालिटी बनाता हूँ जो दिखाता हूँ, भाई लोग आते भी हैं, काफ़ी दूर दूर से आए, मैंने काफ़ी सारा सामान मैंने जो दिया है। और बहुत जल्दी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं खुद, अब मेरा आउट सीजन आने वाला, तो मैं आपके पास घूमने आना चाहता हूँ। तो आप कमेंट में ज़रूर रखिए, अगर आप कमेंट में लिखिए अगर आप मेरे पास से छाता ले गए हैं, या आप नहीं ले गए, आप अपना छाता मंगाना चाहते हैं, आप किसी भी ज़िले से हैं, अपने ज़िला का नाम ज़रूर कमेंट में लिख दीजिए और मैं ज़रूर घूमने आऊँगा। क्योंकि मेरा भी काम करते करते आप देख सकते हैं मेरे कारखाने में, आपने देखा होगा कि हम लोग काम बहुत ज़्यादा करते हैं और हमको समय नहीं मिलता। तो वीडियो के माध्यम बता रहे हैं कि हम खुद घूमने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा 10-15 दिन हम घूमें और अपने डीजे वाले भाई से हम मिलें और उनका वीडियो बनाएं। क्योंकि जो हमारा डीजे वाला जितने भी भाई हमारे थे और जो लोगों ने हमसे रोल लाइट ली थी और जो लिए या जो लेना चाहते हैं, जो फेमस डीजे वाले हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो अपना प्रचार कराना चाहते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, तो हम उनके यहाँ खुद जाके वीडियो शूट करके उनका हम इसी वीडियो के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल बताएंगे। इससे क्या होगा, अगर कहीं से भी बारात आती है तो उस भाई का डीजे आसानी से या डेकोरेशन का काम या टेंट का काम वो बुक कर सकता है, अपनी क्वालिटी दिखा सकता है सामान की। तो ये अगर आप ऐसा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बताइए आप कहाँ का रहने वाले हैं, तो बहुत जल्दी आप उस कमेंट में, या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है इसमें मुझसे आप व्हाट्सएप में भी डाल सकते हैं आप और कमेंट भी कर सकते हैं। और बहुत जल्दी मैं आपको फिर नए वीडियो के साथ मिलता हूँ। जब तक दोस्तों, जय हिंद जय भारत।